नमस्कार, पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। जनपद में मानसूनी बारिश जारी, एक दर्जन से अधिक मार्ग बंद। बारिश से गंगोलीहाट के सुनरखोला में मकान हुआ ध्वस्त। पिथौरागढ़ सीमांत जनपद में मानसूनी बारिश लगातार जारी है। बारिश के कारण कई मार्गों में मलवा आने से यातायात अवरुद्ध हो गया। मुख्य मार्ग से मलवा हटने के बाद यातायात सुचारू हो सका। चीन सीमा को जोड़ने वाला तवाघाट सोबला मार्ग यातायात के लिए अभी भी बंद है, जिससे क्षेत्र के लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तवाघाट सोबला तिदांग मार्ग यातायात के लिए अभी बंद है। तल्लादारवा में न्यू सुवा के प्रधान सहित युवा मार्ग खोलने में जुटे हुए हैं। गुरुवार को प्रातः पिथौरागढ़ घाट मार्ग में भी और धारचूला तथा थल मुंशियारी मार्ग में भी मलवा आने के कारण आवागमन कुछ देर के लिए प्रभावित हो गया था। मलबा हटाने के बाद यातायात सुचारू हो गया है। गंगोलीहाट में बारिश के चलते भूस्खलन के कारण आंवला तल्ला मल्ला लग्गा सुनरखोला गांव में मकान ध्वस्त हो गया। बेरीनाग में हजेती काली विनायक मार्ग में सुरक्षा दीवार ढह गई और सड़क के मध्य खड्डा हो गया है, जिससे वाहनों को आवाजाही में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार जिले में अभी तक एक दर्जन से अधिक मार्ग बंद बताए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ में 34.5 mm, बेरीनाग में 45.7 mm, डीडीहाट में 36.80 mm, गंगोलीहाट में 35 mm, धारचूला में 12.6 mm व मुंशियारी में 24.5 mm बारिश हुई है। सेना कैंटीन में जुट रही भीड़ को देखते हुए अब सेना कैंटीन में बनेंगे अलग अलग रैंक के लिए अलग अलग काउंटर। पिथौरागढ़ सेना कैंटीन में उमड़ रही भीड़ व अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिए पूर्व सैनिक कल्याण समिति द्वारा पूर्व में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय पर पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने अध्यक्ष दान सिंह वल्दिया के नेतृत्व में सैन्य स्टेशन जाकर कर्नल मनीष रौथान और लेफ्टिनेंट कर्नल हरताज सिंह से भेंट कर समस्याओं को उनके समक्ष रखा। समिति ने बताया कि सेना कैंटीन में सामान लेने के लिए जुट रही भीड़ के कारण परेशानी हो रही है तथा ECHS से दवा उपलब्ध न होने की भी समस्या उन्होंने रखी। ECHS में दवा के मामले में अधिकारियों ने कहा कि ECHS में दवा नहीं होने पर पूर्व सैनिकों को कोरोना काल से पूर्व की व्यवस्था के तहत बाजार से दवा उपलब्ध कराई जाएगी। भीड़ कम करने के लिए ब्रिगेड कैंटीन को अन्य कैंटीनों के साथ जोड़ने के प्रयास जारी होने की बात भी उन्होंने कही। साथ ही पूर्व सैनिकों की ऑनलाइन बुकिंग केवल रजिस्टर्ड नंबर पर होगी व कैंटीन में अलग अलग रैंक के लिए अलग अलग काउंटर बनाए जाएंगे, जिससे भीड़ नियंत्रित हो सके। अधिकारियों से मिलने वालों में समिति के अध्यक्ष दान सिंह वल्दिया, संयोजक कुंडल सिंह मौसाल, उपाध्यक्ष दीवान शाही, संरक्षक राम सिंह बिष्ट, मीडिया प्रभारी जितेंद्र सिंह, संजय खनका, भुवन वल्दिया सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे। मौसम खराब होने के चलते मुख्यमंत्री का भ्रमण कार्यक्रम हुआ स्थगित। पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जनपद भ्रमण कार्यक्रम मौसम खराब होने के कारण स्थगित हो गया है। बता दें कि आज गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व जनपद प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे का जनपद भ्रमण कार्यक्रम था, जो मौसम खराब होने के कारण स्थगित कर दिया गया है।